नमस्कार, वेलकम टू एक सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। आज का जो अपडेट है ECHS अपडेट नंबर 7। ECHS में जब हम पॉलीक्लिनिक में जाते हैं तो जो सुविधा ECHS में उपलब्ध नहीं है उसके लिए ज़्यादातर हम लोगों को सर्विस हॉस्पिटल में रेफर किया जाता है। और कई बार ऐसी कोई प्रॉब्लम होता है जो हम जानते हैं कि इसका इलाज ECHS में होने वाला नहीं है, पॉसिबल नहीं है, पर हमको सर्विस हॉस्पिटल में OPD में डायरेक्ट नहीं दिखा सकते हैं। इसके लिए हमारा टाइम कई बार बर्बाद होता है, एक दिन चला जाता है ECHS से रेफ़र करके लाने के लिए। तो अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ऐसी कुछ सुविधा प्रदान किया जहाँ पे कुछ सर्टेन केसेस में आप डायरेक्ट सर्विस हॉस्पिटल में दिखा सकते हैं। सर्विस हॉस्पिटल का, इंडियन आर्मी का जो सर्विस हॉस्पिटल्स है वहाँ पे आप डायरेक्ट OPD में आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं। आपको ECHS से रेफर करवाने का ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में देखेंगे ऐसे कौन सा केस है जहां आप डायरेक्ट OPD में दिखा सकते हैं, मिलिट्री हॉस्पिटल में आपको रेफर करवाने का ज़रूरत नहीं है। पर मेन वीडियो में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर इस चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। सो फ्रेंड्स, अब देख लेते हैं इसका अथॉरिटी क्या है। देखिए, इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर ऑफ MOD आर्मी, न्यू दिल्ली, डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज आर्मी, यहाँ से एक लेटर इशू हुआ 3 अगस्त 2020 को। इस लेटर में जो बोला गया, जैसे कि आप देख सकते हैं इसके हेडलाइंस है, वे बार ऑफ रेफरल फॉर सिलेक्ट कैटेगरीज ऑफ बेनिफिशियरीज इन OPDs ऑफ हॉस्पिटल्स ऑफ इंडियन आर्मी। यहाँ पे ये बोला गया कि फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ ECHS बेनिफिशियरीज विल बी अलाउड स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन डायरेक्टली एट OPDs ऑन मिलिट्री हॉस्पिटल ऑन OPD डेज विदाउट ऑब्टेनिंग ए रेफरल फ्रॉम देयर रिस्पेक्टिव ECHS पॉलीक्लिनिक। आप कौन कौन सा वो केसेस है जहाँ पे आप डायरेक्ट मिलिट्री हॉस्पिटल का OPD में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, आप ट्रीटमेंट करा सकते हैं, आपको रेफर करवाने का ज़रूरत नहीं है, वो कौन कौन सा केसेस है इसमें देखेंगे। फर्स्ट केसेस जो है ECHS मेंबर्स एंड देयर डिफेंडेंट्स हु आर 75 ईयर्स एंड अबव। जब 75 ईयर से अबव आपका एज हो जाता है, या आपका जो घर में जो मेंबर्स हैं जिनका एज 75 ईयर से ज़्यादा हो गया, उनके लिए अगर आप ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, उनका ट्रीटमेंट करवा रहे हैं आप, तो आपको ECHS में रेफ़र करवाने का ज़रूरत नहीं है। आपको अगर पता है कि इस डिपार्टमेंट में, इस OPD में दिखाना है जिसका ट्रीटमेंट ECHS में नहीं हो सकता है, तो उनका ट्रीटमेंट आप डायरेक्ट करवा सकते हैं। पर इसमें शर्त यह है कि उनका एज 75 ईयर से ज़्यादा होना चाहिए। पेशेंट का जो एज है वो 75 ईयर से ज़्यादा होना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है वह वॉर डिसेबल्ड वेटरन्स और बैटल कैजुअल्टीज एंड देयर स्पाउस। जैसे हमारा जो वीर सोल्जर्स है जिनको बैटल फील्ड में कभी इंजरी हुआ है, या बैटल लाइक सिचुएशन में जिनको इंजरी पहुंचा है, ऐसे जो ECHS मेंबर्स है, ऐसे जो मेंबर्स है, उस केस में उनका जो स्पाउस है उनको ECHS में दिखाने का, रेफ़र कराने का ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्ट आके मिलिट्री हॉस्पिटल का OPD में दिखा सकते हैं। नेक्स्ट है वॉर विडोज़ इंक्लूडिंग देयर डिपेंडेंट्स। वॉर विडोज़ जो है और उनका जो डिपेंडेंट्स है उनके लिए भी ये सुविधा रखा गया। नेक्स्ट है पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एंड पेरेंट्स पब्लिक अटेंडेंट विथ एकम्पनिंग पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी। जो डिसेबल पर्सन है उनके लिए भी ये सुविधा है। डिसेबल ECHS मेंबर जो है उनके साथ जो अटेंडेंट है उनको भी ये फैसिलिटी दिया गया। नेक्स्ट है प्रेग्नेंट लेडीज विथ मोर देन 24 वीक्स ऑफ जेस्टेशन। नेक्स्ट है लैक्टेटिंग मदर्स इंक्लूडिंग देयर डिपेंडेंट्स। छोटा बच्चा है, दूध पीने वाला बच्चा है अगर, तो उनका जो मदर्स एंड डिपेंडेंट सॉन या डॉटर जो भी हो, दोनों को, बच्चा और माँ दोनों के लिए ये सुविधा उपलब्ध है। नेक्स्ट है रिसिपियंट ऑफ गैलेंट्री अवार्ड्स। जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला है सर्विस के दौरान उनको भी ये सुविधा दिया गया। तो ये जो सुविधा था इन लोगों के लिए है, जैसे आप देख सकते हैं इनके लिए है
और इस सुविधा लेने के लिए आप डायरेक्ट मिलिट्री हॉस्पिटल में जाके दिखा सकते हैं, ECHS में जाके ECHS से रेफर करवाने का ज़रूरत नहीं है। इसका अप्रूवल DGMS आर्मी जो कि मेडिकल सर्विस का अथॉरिटी होता है वहाँ से दिया गया। सर्विस हॉस्पिटल का आर्मी मेडिकल का जो ऑथराइज ब्रांच है वहाँ से ये चिट्ठी आया हुआ है और इस चिट्ठी के आधार पर आपको सभी मिलिट्री हॉस्पिटल में ये सुविधा मिलेगा। सिलेबस का बोझ बच्चों को परेशान कर रहा है, दिन का दिन सिलेबस बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे बढ़ते जा रहे। बच्चे हैं ना, आखिर कितने पढ़ेंगे, कितना याद रखेंगे। यस, ये प्रॉब्लम सबके लिए है, केवल आप ही का बच्चे के लिए नहीं है। आज का जमाना में पढ़ना भी है, आगे भी बढ़ना है और बच्चों का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। यस, इसी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन लेके आए हैं बच्चों के लिए, वो है साइंटिफिक मॉडर्न मेमोरी टेक्निक। जिस टेक्निक को यूज़ करके बच्चे बहुत आसानी से एक बार पढ़ के याद रख सकता है और ऐसे पढ़ेंगे जो कभी भूलेंगे नहीं। ऐसी कुछ टेक्निक्स है जिसके बारे में बताया गया हमारा यूट्यूब चैनल वंडर मेमोरी चैनल में। आप यूट्यूब में सर्च कीजिए वंडर मेमोरी और हमारे चैनल में दिए गए सारे वीडियोस को देखते रहिए। उसमें हमारे चैनल में बहुत सारे वीडियोस दिया गया जहां पे आपको मिलेंगे साइंटिफिक मेमोरी टेक्निक जिसको यूज़ करके बच्चे ले सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट। और ऐसी एक टेक्निक है जहाँ जो कि सीख के बच्चे एक बार पढ़ के कोई भी चीज़ों को, कोई भी चीज़ हो, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ हिस्ट्री ज्योग्राफी कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको याद रख सकते हैं। सो फ्रेंड्स, देखते रहिए ओल्डर मेमोरी यूट्यूब चैनल। उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बेनिफिशियल होगा। ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को ताकि नेक्स्ट कोई भी वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका इन्फॉर्मेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाए। जय हिंद, जय भारत।